हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह का 8 बजने वाला है। बच्चों का बॉटल उबालने के लिए गर्म पानी चढ़ाए हैं गैस पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और रिद्धि सिद्धि अभी सो रही है। ये देखिए सिद्धू रानी मच्छरदानी में, इधर रिद्धि सोई है। ये देखिए अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। सिद्धि भी सो रही है, इसके पापा भी सो रहे हैं उधर। सिद्धि सिद्धि भी जग गई है, तो सब्जी काट रहे थे। पहले उन लोगों को पैंट वेंट सॉक्स वगैरह डाले। इतना सारा बलून फिर आया है पार्टी वाली जगह से, फिर पंडाल खुल रहा था। तो ये लोग उतना खेलती नहीं है बलून से, तो सब लोग दे देते हैं, इसके पापा भी ला देते हैं। अभी हम चाय भी नहीं पीने दी। रिद्धि सिद्धि इतना चिल्लाने लगी, इसके पापा के लिए चाय बनाने जा रहे थे तो चाय भी नहीं बना है, छोड़ के ही चले गए। बोले नीचे ले आना, लेकिन नीचे दिख नहीं रहे, जब दिखेंगे तो बना के ले जाएंगे। तब तक आटा सान लेते हैं, क्योंकि गैस पे हम आलू कटहल सीझने के लिए उबलने के लिए दे दिए हैं। तो अभी थोड़ी रोटी आज बना लेंगे, क्योंकि बच्चों का आज सवेरे वही कुछ बनाते हैं। रात में भी हम लोग तो पार्टी में चले गए थे, माँ थी घर में, तो माँ के लिए पनीर पराठा बनाए थे, तो वो भी देखते हैं। 3 बच्चा हुआ है, पनीर का एक टुकड़ा रखे थे रिद्धि सिद्धि के लिए, लेकिन अब नहीं देंगे इन लोगों को। चटनी और ये बनाए, तो 3 बच्चा हुआ है, तो थोड़ा ही रोटी बनाना है। और इन लोगों के खाने के लिए देखते हैं, आज सोच रहे साबुदाना दे थोड़ा सूजी मिला के, क्योंकि खाती है कल दलिया खाई ही नहीं, इसलिए कुछ चेंज करके देते हैं। आज दोनों दिख ही नहीं रही है, पापा के साथ गई नीचे, और ये भी चाय नहीं पी है। बोले दे देना, काम तो बढ़ते ही जाता है इस तरह से। मेरे जगह बोले 3 ही जन है चाय पीने वाले, अब तब भी 3 बार चाय बनता है। माँ के लिए नींबू चाय बना, फिर हम सुबह उठे हम अपने लिए बना के दूध वाला पिए, इसके पापा अभी उठे हैं तब इनके लिए चाय बनेगा, उसके बाद एक बार फिर बनेगा कॉमन चाय जो सब लोग पियेंगे। बहुत सारा कपड़ा हो गया इन लोगों का, सुबह की किया हुआ, चेंज किया हुआ, तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं। कंगाल के ला देंगे, माँ धूप में डाल देगी जल्दीबाजी, क्योंकि अभी गैस पे मेरा तो आलू कटहल ही सीज रहा है। आटा सान के रख लिए, ढक के जा रहे हैं, पहले नीचे से कपड़ा कंगाल के लिए ला देंगे। आज रोटी पहले बना ले रहे हैं, फिर सब्जी बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम है और कुकर भी खुलेगा उसके बाद ही तो सब्जी ये करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे। तो जब तक वो सीटी उसका पूरा निकल नहीं जाता है, तब तक रोटी, क्योंकि ज़्यादा रोटी बनाना भी नहीं है, बस 7-8 बन जाएगा तो काफ़ी है। आटा भी कम ही साने हैं, तो कर लेंगे फटाफट। रिद्धि सिद्धि तो भी नीचे ही गई है दोनों घूमने, तब आती है फिर उन लोगों को खिलाएंगे खाना पीना। इतना हल्ला करने लग गई सुबह सुबह, इतना चिल्लाने लग गई दोनों, तो मुँह ही नहीं बंद कर रही। इसके पापा चाय भी नहीं पिए, बोले हमको नीचे चाय दे देना, ले जाते इन लोगों को घुमाने के लिए। बोले ठीक है, बच्चा का मूड है, कभी कभी घर खेलती है, जबकि इतना सारा बैलून ला दिया इसके पापा, बैलून से खेलती पर नहीं, बैलून से नहीं खेलना इन लोगों को। हम लोग कितना खेलते थे अपने बचपन में बैलून से, इन लोगों को बस जो चीज़ मिलता है उसका कोई कदर ही नहीं है। इतना सारा बैलून ला दिया पापा, लेकिन नहीं खेलना है, छू भी नहीं रही है। मूड होगा किसी टाइम में, कभी तो खेलेगी फिर, अभी तो नहीं खेल रहे बिल्कुल भी। कौन है आपका? चाय बना रहे हैं सिद्धू रानी को, देखिए आई घूम के, खाना खा ली है और यहाँ बैठ के देख रही है, क्या 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 कर रही है। दादी घर से मिट रही है, और रिद्धि को दिखाते हैं। रिद्धि खाना नहीं खाई, बोतल फेंकी। हाँ आई तो खाना खिलाने लगी, बहुत रो रही थी बाहर, भूख लगा था इसको, तो दिए खाना तो नहीं, एकदम नहीं खाने के मूड में थी। ये लगता है सोएगी, सो के एक बार उठेगी ना तब खाएगी, तो इसलिए इसको दूध ही दे दिए, क्योंकि सोने सोने ऐसा कर रही थी। ये ज़्यादातर ऐसा ही करती, एक बार सो के उठती है उसके बाद ही खाती है हमेशा। अभी ये खाएगी नहीं ढंग से, अभी सो रही है, सो जाती है ना तो उठेगी, तब फिर खिलाएंगे तो
सोएगी भी दूध पी के, खाली पेट नहीं सोएगी। गोलू गोलू लाडो चोनू पुचरुआ 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 पुचू सो। तो अभी सब्जी नहीं बना है मेरा, चावल नहीं बना है, अभी भूज के रखे हैं आलू कटहल, अब देंगे मसाला टमाटर, आज बिना प्याज का ही बना रहे हैं, बस कर लेते हैं फटाफट। सिद्धि गई, पापा का सर खाते रहती है, पापा बेचारी चाय पीने का कीमत दे रहे हैं। हम बोले चाय बनाएंगे तो सिद्धि को देखिएगा, नहीं तो सिद्धि भै बोले ठीक है हम देखते हैं। अब सिद्धि अपना नचवा रही है, तो पैर खुजा दो, ये करा दो, तो सारा बलून है, एकदम नहीं खेलती है लोग बलून से, खेलेगी अभी हमको लगता है एक दो दिन बाद खेलेगी कि क्या, अभी नहीं खेल रही है, वही हमको लगता है। कहाँ खुजा रहा है तुमको, अरे बहुत खुजली हो रहा है तुमको, मुफ्त में पापा से खुजलवाते रहो, नहीं मेरे तरफ पैर वैर मत लटको, हम चले चाय छानने। ये देखिए अभी सो रही थी ना रिद्धि, नहीं सोई, उठी इसको सुसु लगा था, गई जाके उधर सुसु की और फिर एक्टिव हो गई, सोई नहीं, खेलने लग गई। क्या बोले, गैस मेरा ऑफ, सब्जी नहीं बना है, सिद्धि को दिए हैं जैसे बिस्तर पे, ये भी ताक रही, गुजर गुजर दिख रहे हैं, कहीं सोने वाली लग रही है कहीं से, सो जाना तुम लोग, रही नहीं सोएगी तो फिर खूब ज्यादा खेलो। हाँ जा रहे हैं, खाना इनको लग रहा है खाना नहीं रेडी हो पाएगा, हमको निकलना है, सब्जी भी नहीं बना है ना, जा रहे हैं बनाने। तुम लोग खेलो, एक डब्बा कहाँ से लाई है, जा रहे हैं। अभी देखिए रिद्धि खेल रही बलून के साथ थोड़ा सा, दोनों में कोई नहीं सोई, खेलो बेटा, मामा को डिस्टर्ब मत करो, मामा को ऐसे ही बहुत काम रहता है। जा लो बलून लो, खेलो खेलो ना बेटा, बता पर रिद्धि को देखिए दादी का हेल्प करने गई है, और लो जाके और लो, देखी भी नहीं दादी भेजी कि जाओ कटोरी गिलसा गिलास मम्मी को दे दो, अब दे भी नहीं रही, अपने से लेके ऊपर आने की कोशिश में। हाँ दो और लाओ जाके, और लाओ दादी के पास से और लाओ ना, कि दे भी नहीं रही है, देबे ना करे से, बड़ा दादी उसको काम करा रही थी, लेके चली गई वापस सिद्धि पापा को गोदी में। रिद्धि घूमते रहती है ना, तो ये बैठे रहती है, पापा बोल रहे थे तुम भी चलना सीखो ना बेटा जल्दी, तुम लोग फ्री करेगी हमको, सिद्धि तो चल रही थी, चलते चलते फिर ये बैठ गई, चला हुआ बच्चा मेरा बैठ गया, दिमाग तबीयत खराब के चलते, अब आप लोग के आशीर्वाद से थोड़ा ठीक है, मतलब क्या बोलें, बच्चों को तो ठीक बोलते ही तुरंत नज़र भी लग जाता है, इसलिए बस अच्छी हो जाए जल्दी से। दवाई जो भी करते हैं ना सारा काम ये लोग खुद ही करें, लो करो तोड़ देगी क्या रे, जाओ खाओ खुद से, खत्म करा दिए हैं अब, थोड़ा सा है उसको, देखिए खुद खाए तो खाए जाके सिद्धि को भी मुंह में डालने लग जाती है, सिद्धि सो के मतलब जब भी उठती है इसको नीचे बैठाते हैं ना उसी जगह बैठेगी, ना इस पार ना उस पार, ना वो आगे बढ़ेगी ना उस रूम में जाएगी, उसी जगह बैठ के वहीं पर चिल्लाते रहेगी, मतलब आके हमको उठाओ गोद में लो, ये बस चलने लग जाए ना फिर थोड़ा परेशानी कम होगा मेरा, जैसे सिद्धि है ना अपना घूम घूम के खेलते रहती है घर आने के बाद, तो ऐसे खाना मेरा बन गया, बस थोड़ा सा गैस वैस क्लीन करना है, रोटी भी तो बना ही लिए हैं, आलू कटहल का सब्जी भी बन ही गया है, दाल नहीं बना, इन लोगों के लिए हमको दाल भी बनाना होगा कि क्या करें, वैसे तो भी खाई नहीं है रिद्धि, किचन का हाल बहुत गंदा है, स्लैब पूरा साफ करना होगा, अभी कर लेंगे। गोलू ए डराओ नहीं,
रोती, ये बहुत करो। देख तेरे बाबू को रुलाया, खाना खाई ने दूध पी, दूध थोड़ा पी थी सुबह में, अभी खाना आज खा ही नहीं रही, पता नहीं अभी किसको ORS ही घोल के देती है, बोले जाओ कुछ तो एनर्जी लो तुम। आज हम ही नहा के आए पहले, अब किचन उचन छोड़ के जाए, थोड़ा कपड़ा ज्यादा था बच्चों का, तो माँ बोली जाओ तुम ही नहा के आ जाओ फिर हम जाएंगे, तो नाश्ता निकालते हैं, इनका भी खाना, माँ तो भी पूजा कर रही है। दीदी को शैम्पू करके नहाई है, अभी शैम्पू की है, शैम्पू की है आज। अरे बाबा, अरे बाबा, लब की इधर रोने लगती है, गंदी लगती है, जैसा रोने लग जाती है नहाने में, धूप में थोड़ा धूप सेक लो, तब पोछू पोछू कर देंगे, रितु को कपड़ा पहना देंगे, न्यू न्यू ड्रेस पहनेगी रितु, है ना बेटा, कर दो तो बेटू अपने ब्लॉग में बाय बाय बोलो, तो कल एक न्यू ब्लॉग में मम्मा आप लोगों से मिलाएगी, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सिद्धि को भी दिखा दो, सो रही है सिद्धि, सिद्धि भी सो रही है और रितु भी सो रही है, रितु नंदन करके आ गई है, बाय बाय कर दो तो बेटा बोलो तो, तब तक टाटा टाटा नहीं करेगी ये, अभी नहीं करेगी, ठीक है टाटा।